आप देख रहे हैं bplnews.com, खबर हर कदम। नृत्य कला केंद्र की डायरेक्टर हूँ। हम लोग अभी देहरादून गए थे जहाँ फर्स्ट मोनू रंग महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर एक नृत्य प्रतियोगिता थी, क्लासिकल शास्त्रीय उप शास्त्रीय नृत्य एवं गायन की प्रतियोगिता थी, जिसमें ये मेरे 5 बच्चे गए थे और ये 14 प्राइज लेकर आए वहां से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जजेस चॉइस, आपका क्रिटिक्स, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट फोटोग्राफर, ये सब प्राइजेस लेके ये बच्चे आए हैं वहां से। और हमारे संगीतिका को बेस्ट टीम का भी अवार्ड मिला है पूरे इंडिया में, क्योंकि हमारा हर बच्चा प्राइज जीता है किसी न किसी कैटेगरी में, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी इसलिए हम लोगों को बेस्ट टीम का भी अवार्ड मिला है वहां पे। और ये बच्चे 5 साल की उम्र से मेरे पास सीख रहे हैं, आज कथक में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। मेरी बेटी दीक्षा नागपाल, उसने भी कथक में एम्यूज किया है। ये सब बच्चे उसी के स्टूडेंट्स हैं, आज वो गणेश आचार्य के असिस्टेंट है बॉलीवुड में। सेमी क्लासिकल में देविका रतन तृतीय स्थान पर थी और बेस्ट परफॉर्मर और जजेस चॉइस का उनको अवार्ड मिला है। उसके बाद उप शास्त्रीय में देविका रतन, वैष्णवी खंडेलवाल को जजेस चॉइस और क्रिटिक्स अवार्ड मिला है और इनको बेस्ट परफॉर्मर का भी अवार्ड मिला है। हिमाद्री, उसको यूथ की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर का और जजेस चॉइस का अवार्ड मिला है। सांची क्लासिकल कैटेगरी में फर्स्ट आई है और फोक की कैटेगरी में जूनियर में सेकेंड आई है। अपनी सब जूनियर कैटेगरी में फोक में थर्ड आई है और हमारी टीम को संगीतिका को बेस्ट टीम ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है।